नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 News में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे कि यहाँ पर लगातार मध्य प्रदेश को लेकर तरह तरह की चर्चा सामने आ रही थी। अभी तक देखा यहाँ पर यह जा रहा था कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों से सुर्खियों में थे, फिर उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने ऐसा बयान दिया कि जिसके बाद से वो अपने पिताजी से भी ज्यादा सुर्खियों में आ गए। यहाँ कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा था कि अब मेरे पिताजी CM पद पर नहीं है, अब मैं अपनी पार्टी के खिलाफ जा सकता हूँ, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उतर सकता हूं। जब से कार्तिकेय सिंह चौहान ने ये बयान दिया है उसके बाद से राजनीति का पारा इस वक्त गर्म हो चुका है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब ये सोचने पर मजबूर हो रहा होगा कि हमने शिवराज सिंह चौहान को CM क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर अगर शिवराज सिंह चौहान CM होते तो कार्तिकेय सिंह चौहान ऐसे बयान नहीं देते। अब कार्तिकेय सिंह चौहान ने यहाँ पर ये मान ही लिया है कि भाजपा के खिलाफ उतर कर ही रहना। दूसरी तरफ यहाँ शिवराज की पत्नी साधना सिंह भी अब भाजपा के खिलाफ उतरती नजर आने वाली है। लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर शिवराज को CM ना बनाने की वजह से शिवराज का परिवार नाराज है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत कहीं ना कहीं शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही की थी। वो शिवराज ही थे जो हर रोज प्रचार के लिए निकल आते थे, लेकिन शिवराज को मिला क्या? शिवराज सिंह चौहान को मिला तो सिर्फ एक बड़ा धोखा, क्योंकि सारी मेहनत शिवराज से यहाँ कराकर यहाँ पर CM की गद्दी पर मोहन यादव को बिठा दिया। क्या मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान जितनी मेहनत की थी? ऐसा यहाँ साधना सिंह कहती नजर आ रही है। बता दें आपको कि साधना सिंह की नाराजगी भी यहाँ सीधी सीधी है। उनके पति को CM क्यों नहीं बनाया, जिसके खिलाफ अब वो भाजपा के खिलाफ उतरती नजर आने वाली है। क्या मानना है आपका इस रिपोर्ट पर, कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिएगा SPN 9 News। धन्यवाद।